लाला जी इधर मुकरो। जल्दी हरियो रे प्रभु मन बसियो रे, अर्जी हमारी मर्जी तुम्हारी। भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने क्या है। भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। ले गई राधा, आई लाली आजा तू आजा। गानों से वो तीर चलावे, गायल करे गायो रे हमारा मन राधा ले। तो दोस्तों इस तरह से भजन और कीर्तन के साथ नाचते गाते हुए शुरू हुआ हमारा अगले दिन का सफ़र। और मौसम की बात करें तो देखिए दोनों तरफ ग्रीनरी ग्रीनरी है और आकाश में बादल छाए हुए हैं। मौसम एकदम आनंददायक है, ना तो ज़्यादा सर्दी है ना गर्मी है, एकदम मीठा मीठा मौसम है और सबको अच्छा लग रहा है। सभी झूमते हुए गाते हुए जा रहे हैं। देखिए दोस्तों दोनों तरफ खेत ही खेत हैं, बहुत ही अच्छा मज़ा आ रहा है एकदम मौसम में। और अब हम थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं नेपाल बॉर्डर। देखिए लगभग 30 किलोमीटर रह गया है सोनाली बॉर्डर जो कि नेपाल का है, और अगले 20 से 25 मिनट में हम पहुंच जाएंगे नेपाल में। तो दोस्तों अभी 5-7 मिनट में नेपाल में एंट्री करने वाले हैं और सिम बंद हो जाएगी तो सभी लोग अपने अपने घर में बात करने लग गए हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं, जैसे ही हम बॉर्डर क्रॉस करेंगे हमारी इंडिया की सिम डीएक्टिवेट हो जाएगी और हमें नेपाल से नई सिम लेनी पड़ेगी। सिम लेने का प्रोसीजर सेम है, आधार कार्ड से सिम ले सकते हैं, लगभग 150 रुपये की सिम है, उसके बाद आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से उसमें रिचार्ज करा सकते हैं और सिम तुरंत चालू हो जाएगी। और दोस्तों जैसे ही आप बॉर्डर के नज़दीक पहुंचोगे आपको ट्रकों की लंबी लंबी लाइन दिखाई देगी। आपको अपनी गाड़ी इस लाइन में नहीं रखनी है, आप रोंग साइड से गाड़ी को आगे ले जाइए, लेकिन ध्यान रहे गाड़ी धीरे धीरे और सावधानी से ले जाएं, आने वाली गाड़ियों का रास्ता नहीं रुकना चाहिए। दोस्तों शाम के 7 बज चुके हैं और अंधेरा भी काफ़ी हो चुका है और हम बॉर्डर के बिल्कुल नज़दीक हैं। आइए अब मैं आपको बताता हूँ कि हमें यहाँ गाड़ी के कौन कौन से पेपर चाहिए। अगर आपके पास टैक्सी की गाड़ी है तो आपके पास 4 पेपर होने चाहिए। सबसे पहले नंबर 1 गाड़ी की RC, नंबर 2 गाड़ी का परमिट, नंबर 3 पैसेंजर लिस्ट और नंबर 4 ड्राइवर का लाइसेंस। और दोस्तों मैं बता दूं कि आपको यहाँ इन चारों कागज़ों की सिर्फ फोटोकॉपी देनी है, जो यहाँ पर चेक कर रही है इंडियन मिलिट्री उनको फोटोकॉपी देनी है, तो इसलिए अपनी फोटोकॉपी 2-2, 3-3 पेज करा के रखें। दोस्तों अभी हम खड़े हैं इंडिया और नेपाल बॉर्डर के बीच में। अगर आपके पास छोटी गाड़ी है तो आपकी गाड़ी जल्दी चेक हो जाएगी और अगर आपकी गाड़ी बड़ी है तो आपको 1-2 घंटे लगने वाले हैं। सबसे पहले आपको गाड़ी के उन 4 पेपरों की फोटोकॉपी यहाँ जमा करानी है, फिर आपकी गाड़ी के सारे यात्रियों को अपने सामान को चेक कराना होगा, उसके बाद एक चेकर्स आपकी गाड़ी के गेट पर खड़ा हो जाएगा और आपकी ID चेक करके आपको अंदर बैठने देगा। तो ये तो था इंडिया का प्रोसीजर। उसके बाद नेपाल में एंट्री करने के लिए आपको सेम पेपर्स चाहिए, पर ध्यान रहे कि आपके पास पेपर ओरिजिनल भी साथ में होने चाहिए। और नेपाल में एंट्री करने के लिए हमें भंसार कटाना होगा। भंसार एक तरह का टैक्स होता है जो पर डे के हिसाब से कटाना होता है, यानी जितने दिन हम नेपाल में रहेंगे उतने दिन का हमें भंसार कटाना होगा। छोटी गाड़ी का भंसार लगभग 400 रुपये है और बड़ी गाड़ी का भंसार 600 रुपये है। भंसार कटाने के बाद हमारी नेपाल में एंट्री हो जाती है। और एंट्री होने के बाद दोस्तों हमें एक बात का खास ध्यान रखना है। सबसे पहले हमारा काम है इंडियन करेंसी को नेपाल करेंसी में चेंज कराना, क्योंकि यहाँ आपका रेट अलग होगा। यहाँ आपको 1.60 होगा और आगे 1.55 या 1.5 होगा, मतलब बॉर्डर पर आपको 1000 रुपये के 1600 रुपये मिल जाएंगे, लेकिन आगे ये कम होते चले जाएंगे, आपको आगे ये 1.55 या 1.5 मिलेगा। तो इसलिए अपने बॉर्डर पर ही करेंसी को चेंज करा ले। और दोस्तों आपको एक बात बताना और चाहूँगा मैं कि जहाँ भी आप तेल डलवाएंगे वहाँ आपकी इंडियन करेंसी को नहीं लिया जाएगा, इसलिए अच्छा यही रहेगा कि आप अपनी करेंसी यहीं चेंज करा लें। दोस्तों रात काफ़ी हो चुकी थी, हमें बॉर्डर पर लगभग 2 घंटे लग गए थे, इसलिए हमने नेपाल में एंट्री करके वहीं पर ही पास में होटल ले लिया। तो दोस्तों इस वीडियो को अब हम यहीं समाप्त करते हैं। कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो कमेंट में ज़रूर लिखें। फिर मिलेंगे आपसे नेपाल यात्रा के अगले भाग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।